टॉर्चर टू यू, ठीक है इधर रख दो। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, आप सबका अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहां के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। बच्चों, अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है बच्चों नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। बच्चों, अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके मेनली चार फीचर्स हैं जो इसको नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट रेज कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जिससे ये होता है, ये फील होता है कि आपके अलावा पैरेलल में और भी बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन कोचिंग जैसी ही फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं एक डेफिनेट ड्यूरेशन में, क्लियर है, और इससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी उसका भी इवोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, मींस कंटेंट शानदार हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ में यहाँ का जो कोर्स है वो जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके स्टूडेंट्स को टॉप लेवल तक लेके जाता है, और साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किए हुए हैं। जैसे क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स के लिए कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी का स्टूडेंट है उनके लिए अलग कोर्स है, 12th वालों के लिए अलग कोर्स है, फिर मंथ के टाइमिंग के हिसाब से 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक के कोर्स डिजाइन है। और यहाँ पे कोर्स मतलब आपका सिलेबस खत्म हो गया है, फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, और जब तक ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आपके साथ बना रहेगा, जब तक कि आप नीट का एग्जाम नहीं दे लेते, मतलब यहाँ के एजुकेटर आपको तब तक हेल्प करते रहेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप किसी भी सब्जेक्ट के कितने भी एजुकेटर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, एक ही टॉपिक को कितने भी बार एजुकेटर से पढ़ सकते हैं बच्चों। हाँ जी, यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, और लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी आप इन्हें कवर कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेज हैं, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, इनके बहुत फॉलोअर और व्यूअर्स हैं। अब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ये नीट यूजी का
लेंगे तो 6,000 में मिलेगा बच्चों, पर 12 मंथ के लिए लेंगे ना तो वो कॉस्ट 6,000 से घटकर 2500 रह जाएगी, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये 1500 रुपीज रह जाएगी बच्चों। हाँ जी, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों जीएस सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला कोर्स आपको 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो यह आज का एसी का अल्टरनेटिंग करंट का पहला सेशन स्टार्ट होता है बच्चों, क्वेश्चंस का जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। वहीं से हमने स्टार्ट किया है। हाँ जी बच्चों, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, नाम सुना है क्या? चेक कीजिएगा बच्चों, आप सबने आरएलसी एसी सर्किट पढ़ा होगा। ये आर है, ये एल है, ये सी है, और ये आपका एसी का सोर्स है बच्चों। तो चेक कीजिएगा किसे कहते हैं, यहां पर इंडक्टर पर जो पावर आया रेजोनेंस कंडीशन पर, पहले तो रेजोनेंट कंडीशन पर ओमेगा कितना होता है, 1/√LC, ये रेजोनेंस कंडीशन है। हाँ जी, पर डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर को, तो कितना आएगा चेक करना बच्चों, या तो ये लॉस्ट एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी I²XL, और I²R का रेशियो है बच्चों रेजोनेंस पर, ये I कैंसिल हो गया है, ये ओमेगा L/R होगा, पर रेजोनेंस पे XC/R भी रख सकते हो आप, क्यों XL और XC इक्वल होते हैं बच्चों पक्का, तो कितना आएगा, ओमेगा CR भी भर सकते हो, और ओमेगा का वैल्यू वो भरें तो एक और फॉर्मूला, डिपेंड करता है क्या गिवन है बच्चों। तो तीन फॉर्मूले होते हैं क्वालिटी फैक्टर के, एक ओमेगा L/R, ये होता है 1/ωCR, और एक होता है 1/R, ये। तो बोलो बच्चों क्या होगा आंसर। हाँ जी, पहला आंसर होगा बच्चों, क्लियर? चलिए तो बच्चों ये पहला आंसर है आपका। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर बड़े बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AIPMT 2001 का क्वेश्चन है, आंसर भी देते रहे बच्चों। मैं पहले टाइम आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप आंसर, कौन कौन आ चुका है एक बार सर से भी हेलो कर लीजिए। हाँ जी,
चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्टेंस एक्स है तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है। बच्चों चेक करना, बच्चों एक्स सी सबको पता होगा, वन अपॉन ओमेगा सी। क्या कह रहा है? ओमेगा भी डबल और सी भी टू टाइम्स, तो डिनोमिनेटर कितने टाइम्स हो गया, या इसका वैल्यू एक्स दे रखा है, तो एक्स डैश क्या होगा जिसकी टू ओमेगा है और टू सी है, तो क्या होगा एक्स डैश फोर ओमेगा सी एंड वन अपॉन ओमेगा सी की जगह एक्स भर सकते हैं बच्चों। क्यों? ये देखो, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये हाँ जी मिश्रा आकाश शाह नीरज कुमार, हाँ जी हेलो, मिस्टर शेख मोहम्मद इमरान हेलो। तो क्या आएगा आंसर? एक्स बाई फोर। ये बच्चों एक्स बाई फोर कौन सा आंसर होगा? बच्चों थर्ड आंसर होगा डेफिनेटली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आकाश शाह आंसर देते रहिए। हाँ जी हाँ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ भी होता है मिस्टर शेख, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चों पावर क्या होती है पता है क्या? पावर वैसे तो ERMS या V बोल दीजिएगा, IRMS cos phi होता है, बट एट रेजोनेंस phi इज जीरो। पक्का इज जीरो एंड Z इज R, सो डेफिनेटली क्या होगा इज IZ या IR या I, तो इट इज I² R। ये तो हमेशा ही रहेगा बच्चों, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, रेजोनेंस हो या ना हो। क्लियर है बच्चों? phi जीरो है किस पर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, EIPMT 2002 का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार है बच्चों, इसको बताइए देखें कौन कौन बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये वोल्टेज 45 से कब कब होता है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का नाम सुना है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फुल पावर फ्रीक्वेंसी है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45। देखो एसी का क्वेश्चन करना हो ना बच्चों, हमेशा
इसको पाइथोगोरस से हैंडल कीजिए। पाइथोगोरस ही होता है आर बेस को दिखाता है, पक्का क्या? चेक करना बच्चों, ये पाइथोगोरस, ये जेड है बच्चों, ये एक्स, ये आर है बच्चों, ये फाई ये होता है बच्चों। अब क्या कह रहा है, ये फाई 45 है, इसका मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है एंड करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है, XL माइनस XC जब इंडक्टर लीड करे, XC माइनस XL या फिर अकेला L हो तो वो X है ही, तो यहां XC माइनस XL की वैल्यू R है बच्चों। हाँ जी XC बोलो बच्चों, सबको पता है 1/ωc, ये सोल्व कीजिए बच्चों इससे फ्रीक्वेंसी, बोलना बच्चों 1/ωc जैसे का जैसा, तो आर प्लस ओमेगा एल हो गया, ओमेगा की वैल्यू भर देंगे बाद में, ओमेगा सी 1/r+2πfL ये हो गया बच्चों। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2πfc 1/r+, तो बोलो बच्चों f कितना आएगा, कि c पूछा है c, तो फटाक से बोलना 2πf एन आर प्लस ये होगा बच्चों। क्लियर है सबको, सो आंसर इज विच, यस सेकेंड, वेरी गुड मिस्टर मोहम्मद इमरान। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा और आगे जाऊं क्या, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के पॉइंट है, वहां 5 बातें होती है, देखो रेजोनेंस फुल पावर फ्रीक्वेंसी है, वहां 10 बातें होती है, याद होनी चाहिए, यहां 5 होती है, चाहो तो आपको थोड़ा आइडिया दे दूं मैं, ये उसका पॉइंट है, एट HPF फुल फॉर्म है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, देखना पहला या पावर, एवरेज पावर मैक्सिमम पावर की हाफ होती है, मैक्सिमम पावर कितनी, रेजोनेंस पे जो पावर कंज्यूम हुई ना उसकी हाफ होती है। अब पावर किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर, तो आई यहां पर आई जो मैक्सिमम पावर है ना रेजोनेंस की उसकी रूट टू होती है, ये आई आर एम एस है, वो आई मैक्सिमम, यहां आई मैक्सिमम का वैल्यू अलग है बच्चों, पीक वैल्यू नहीं है, आई मैक्सिमम क्या होगा रेजोनेंस कंडीशन पे करंट को कहते हैं, कौन सी आरएमएस, ये आरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू है। थर्ड ऐसा कब होता है, जब जेड इज इक्वल टू रूट टू आर है। पांचवा चौथा, ये सब एचपीएफ की पहचान है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर है, ये चौथा ही चुरा के ले गया था वो, यहां पता है यहां माइनस आर यूज किया था ये, और पांचवा एंगल 45 डिग्री है, प्लस या माइनस 45 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये 45 पहचानते मुझे पता चल गया है। हाँ जी, तो ये 5 बातें याद रखना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर,
इनमें से कोई भी सिम्टम्स दे समझ जाना एचपीएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन है ये। क्या होता है ऑसिलेटर? तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ही होती है इसकी भी। बोलो बच्चों, हाँ जी, उसका तो हो गया ना बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम तो नए क्वेश्चन की। चेक कीजिएगा बच्चों ढंग से, क्या होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? 1/2π√LC। पक्का? क्या अब जरा गौर फरमाना क्या कह रहा है। इंडक्टर को भी डबल कर दिया और कैपेसिटर को 4C, तो नया फ्रीक्वेंसी पूछा है। चेक करना है F' 1/2π, इंडक्टर डबल, ये 4C। चेक करना बच्चों क्या आएगा। 1/2 × 4√8 बाहर ले लो और बचा हुआ वो का वही है ये। इसको क्या लिख सकते हो, पुराना वाला F, तो F/√8 आंसर होगा। अब रूट एट को क्या लिख सकते हैं, 2√2। पता है क्या, 8 के दो टुकड़े कर दीजिए, 2 × 4 छतरी में, अंडर रूट 4 का 2 बार। हाँ जी, तो फाइनल आंसर इज थर्ड, बिल्कुल सही एकदम। मिस्टर इमरान, उन्होंने भी, गोदारा जी ने भी सही आंसर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चेक करना ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जब भी एसी का क्वेश्चन हो, पाइथागोरस होता है बच्चों, 90% और पाइथागोरस आपको पहले से आता है, 6th class में पढ़ाते हैं, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। चेक करना बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में। इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, इसका मतलब समझते हो, एक्सेल गिवन है। पक्का? कितना ओमेगा एल कहते हैं एक्सेल को, 31 ओम। एक्ससी भी गिवन है बच्चों, इसको 1/ωC कहते हैं, 25 ओम ये। एंड रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, ये 25 ओम। चेक करना, पहले जेड निकालना होगा। देखो इन दोनों से एक्स निकलेगा, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। एक्स इज एक्सएल माइनस एक्ससी, सो 31 − 25, ये 6 ओम आ गया। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस निकालना है बच्चों। मैं तो ट्रायंगल बना के बैठ जाता हूं। देखो एक्स 6 ओम है, यार 8 ओम है, तो मुझे पता चल गया है जेड क्या होगा, √ ये।
तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 ओम होता है बच्चों। अब आपको पता है ये phi है, क्या होता है पावर फैक्टर, नाम सुना है क्या? देखो एसी की पावर वोल्टेज और करंट से नहीं आती, एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है cos phi, तो इस cos phi को पावर फैक्टर कहते हैं। अब आप बोलो cos phi निकालना नहीं आता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखना बेस कितना है 8, अरे phi के सामने का परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उससे कहो साइन फाइव भी पूछ ले, टेन फाइव भी पूछ ले, तो ये 0.8 आ गया बच्चों। साइन फाइव भी पूछ सकता है, टेन फाइव भी पूछ सकता है, वो नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ाते पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री वही क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर क्या बच्चों पावर फैक्टर का? 0.8। ये ट्राइंगल बना लीजिए आप, ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दीजिए क्वेश्चन को, यही होता है ज्यादातर क्वेश्चनों में। हाँ जी चेक कीजिएगा बच्चों, कोई भी डाउट है बोल दीजिएगा। 2006 का क्वेश्चन है AIPMT। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, टोटल रिएक्टेंस 6 ओम है, रेजिस्टेंस 8 ओम है बच्चों। ये गलत लिखाई में आ गया है, रेजिस्टेंस 8 ओम है ना, वहां 8 ही भरा है बच्चों, ये देखो 8 ओम है, ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस में से माइनस करा। अब छोटी छोटी बातें भी याद होनी चाहिए, इंडक्टर जीता तो वोल्टेज लीड करेगा, मतलब करंट लेग करेगा बिहाइंड द वोल्टेज, या ऐसे भी बोल सकते हो वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम द करंट, ये जो एंगल आएगा उससे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी चलिए बच्चों क्या कह रहा है, मैक्सिमम करंट, तो करंट मैक्सिमम कब होता है? ये रेजोनेंस कंडीशन बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब समझते हो, एक्सएल का वैल्यू एक्सी के इक्वल होता है, तो आपके पास एक्सेल तो नहीं दिया, हाँ जी एक्सी दिया है, उससे आप एक्सेल निकाल सकते हो, वो तो कितना आएगा 1/1000, क्यों ओमेगा गिवन है आपको 10 माइक्रो फेरेड, धीरे जाना बच्चों, माइक्रो पक्का क्या, तो कितना हो गया ये 4, ये -6, 10^-2 बचा बच्चों, कितना हो गया 100, ये एक्सी की वैल्यू है, पर यही एक्सएल भी है क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन चाहिए,
तो एक्सएल भी 100 आएगा, ये ओमेगा एल के बराबर है, और एक्सएल नहीं पूछा, एल पूछा है बच्चों। ध्यान रखो इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। बोलो कितना आएगा, ओमेगा नीचे भेज दिया, ओमेगा का वैल्यू कितना है आपके पास, 1000 बच्चों। हाँ जी बोलो कितना आएगा, 10^-1। इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं आप, 0.1 हेनरी, 100 मिली हेनरी। हाँ जी बच्चों क्लियर है सबको, तो इट इज आंसर सेकंड, पक्का। हाँ जी 1/10 0.1 एक ही बात है, पर उसने 0.1 ऑप्शन ही नहीं दिया, 100 मिली हेनरी भी 0.1 को कोई कहते हैं। यस बी पक्का। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, का क्वेश्चन है बच्चों। अभी इजी होंगे क्वेश्चन, क्यों पहला पहला सेशन है ना बच्चों, एसी दिमाग में तो आए, अल्टरनेटिंग करंट, कभी एक और कभी दो क्वेश्चन देता है बच्चों नीट में। एक तो कंफर्म है, अगर ईएमडब्ल्यू से आ गया तो फिर एसी से एक ही देगा, और ईएमडब्ल्यू से नहीं आया तो एसी से दो क्वेश्चन देगा, उसमें से एक रेजोनेंस से फिक्स है, रेजोनेंस कंडीशन वो याद होनी चाहिए आपको। ये पावर पूछी है, हाँ जी पूरा बताऊं क्या इसको, लो देखो थोड़ा सा क्या होता है, ये कौन सी वैल्यूज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है बच्चों, कौन सी इंस्टेंटेनियस, तो पावर भी आएगी इंस्टेंटेनियस, वो आएगी ई इंटू आई, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इंस्टेंटेनियस की वैल्यू है। कितना आया, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे का जैसा इसे ओपन कर दीजिए, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये पक्का बच्चों। फिर मल्टीप्लाई किया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो हो गया ई नॉट आई नॉट साइन फाइव एंड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। हाँ जी बच्चों क्लियर है बच्चों, अब देखना ये सब इंस्टेंटेनियस पावर है, अब इसका एवरेज लेना है बच्चों, ये एवरेज चेक करना, ये एवरेज का सिंबल है, ये तो टाइम वेरिंग है ही नहीं, इसका एवरेज लेना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका भी एवरेज लेना है, तो इसका एवरेज जीरो होता है बच्चों, और इसका एवरेज हाफ, तो देखो पी एवरेज क्या आया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, और इसका वैल्यू कितना होता है हाफ, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो जीरो हो गया, क्यों
क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यस, लेकिन आरएमएस वैल्यू नहीं दी मिस्टर इमरान। हाँ जी चेक कीजिएगा पी एवरेज, मेरे पास एक शॉर्टकट है इसका, वो भी दिखाना चाहूंगा, चेक करना बच्चों। ये तो आंसर आ गया, पहला आंसर है। हाँ जी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बच्चों, ये डेरिवेशन है कि कैसे आई पावर। हाँ जी एक मेथड और देखो, ये जो वोल्टेज और करंट है ना वो एक वेक्टर बन गया है, वेक्टर के जैसे बिहेव करते हैं क्योंकि इनमें फेज डिफरेंस घुस गया है, दोनों में फाई का फेज है। तो देखो साइन ओमेगा टी को जीरो एक्सिस पे बनाएंगे, क्यों, साइन थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, कोस थीटा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। अब करंट उससे पीछे है, कितना, फाई एंगल पीछे है, वो देखो। तो ये आई के दो कंपोनेंट होंगे, पर ये नहीं बोले तो कौन सी आई है, आरएमएस। एक मेथड और दिखा रहा हूं, आई आरएमएस साइन फाई, और एक है आई आरएमएस कॉस फाई। तो कौन सा कंपोनेंट पावर देगा जो वोल्टेज के अलोंग है, इसलिए ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई से भी हैंडल कर सकते हैं। ई नॉट बाई रूट टू आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू, और ये कॉस फाई। फिर आंसर वही, पक्का दोनों बताना चाहता हूं मैं कि एसी का क्या मीनिंग है बच्चों, करंट वोल्टेज पावर रेजिस्टेंस is a scalar quantity but it comes with phase difference in AC so it behave like a vector quantity, इसलिए यहां simple addition नहीं होता, Kirchhoff's law अलग है यहां का, बच्चे I1 plus I2 plus I3 जो add कर देते हैं, यहां I का भी vector addition होता है phase difference आने पे। हाँ जी चलिए बच्चों अगले question की ओर बढ़ते हैं। रिएक्टेंस पूछा है, इंडक्टेंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत इजी भी आते हैं एम्स में। ये तो आप भी कर सकते हो, करो ट्राई करो। कौन सबसे पहले बताता है देखें, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चेक करना बच्चों। एक्सएल पूछा है, ओमेगा एल टू पाई एफ, और एल दिया है एफ दिया है, ये देखो एफ 50 और ये 0.01 बच्चों, तो 50 × 2 100 ये कैंसिल हो गया, तो 3.14 ओम। ये उल्टा भी पूछता है बच्चों, एक्सएल देके एल, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, हाँ जी बहुत अच्छी बात है,
मिस्टर इमरान जल्दी बताना भी, नीट का एक पोर्टफोलियो है। गलत है मिस्टर इमरान, इस बार आपका आंसर कैपेसिटर का मतलब समझते हैं, नेगेटिव फेज डिफरेंस है। नेगेटिव फेज डिफरेंस का मतलब है करंट आगे होगा किससे, वोल्टेज से। लो थोड़ा आपको आइडिया दूं, कौन से सर्किट से, सीरीज सर्किट है बच्चों। सीरीज में करंट को रेफरेंस बनाया जाता है, ये वी आर इसी के अलोंग, वोल्टेज इसी के अलोंग होता है। इंडक्टर करंट से आगे होता है 90 डिग्री, ये +90 डिग्री। और कैपेसिटर के केस में, या कैपेसिटर का करंट, तो ये -90 डिग्री। तो या तो आंसर आना चाहिए वी इज लैगिंग बिहाइंड आई बाय 90 डिग्री, ये भी आंसर है। या आई इज लीडिंग फ्रॉम वी बाय 90 डिग्री, ये वोल्टेज है बच्चों। ये चेक करना बच्चों, तो दोनों आंसर करेक्ट है, बट वहां ऑप्शन में यही दिया है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यस आंसर इज वन, बिल्कुल सही आंसर है गोदारा जी, पक्का बच्चों, ये पहला आंसर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चौक कॉइल क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं मिस्टर इमरान, गलती होने दो, पर जल्दी से जल्दी करके सोल्व करके दो। हाँ जी, चौक कॉइल का मतलब इंडक्टेंस होता है बच्चों। दो बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत पसंद आता है इनको। एक्चुअली इंडक्टेंस ही है, उसमें आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं, तो इंडक्टेंस किससे बनेगा, सोलेनोइड और कॉइल से। ये देखो, ये पर इसमें आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं। हाँ जी, ये आयरन की रोड अंदर रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन की। इसका म्यू आर सबसे ज्यादा है बच्चों, क्योंकि एल बनेगा। थोड़ा आपको और आइडिया दूं, एल का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, बट एल किससे बना रहे हो, टर्न्स, और टर्न्स बिना तार के नहीं बनते, और तार कभी आर के बिना नहीं होता। तो इसमें एल है लेकिन आर है, लेकिन जैसे ही हम क्या सॉफ्ट आयरन रख देंगे ना, तो ये म्यू आर 2000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है सॉफ्ट आयरन का रोड रखने से। तो म्यू आर टाइम्स एल बढ़ गया है किससे, वैक्यूम वाला कितना होता है, उसमें म्यू नॉट आता है ना बच्चों, ये तो 2000 टाइम्स बढ़ने से इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है इसका। तो क्या होगा, इंडक्टेंस ज्यादा रखना है, हाई इंडक्टेंस।
एंड रेजिस्टेंस लो। हाँ जी, क्योंकि वो तो बढ़ाया नहीं गया, सॉफ्ट आयरन की रोड रखने से रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं होगा, जबकि म्यू आर बढ़ने से इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड। मतलब थ्योरी इस तरह से बोलो कि बच्चे आंसर देना शुरू कर दें, उनको आ जाना चाहिए कि सर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक और स्टूडेंट लतिका जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, कभी कभी एम्स में बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं। पहले तो कौन सा सर्किट है आरएल? चेक करना बच्चों। हाँ, ये तो सबसे हो जाएगा। चेक करना जी क्या होगा। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टेंस, ये आपका एसी, तो आपको पता होना चाहिए एक्सएल ओमेगा एल और यार, तो फिर पाइथागोरस आ गया है, जेड पूछा है। मैं तो पाइथागोरस से हैंडल करता हूं जी। एक्स एक्सएल है और ये बेस आर है और हाइपोटेनियस पूछा है। बोलो क्या होगा हाइपोटेनियस? रूट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा कितना? तो जेड आएगा, ओमेगा का वैल्यू का स्क्वायर करो तो 4πe²f²l² बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों, इजी था। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं दो तीन, ताकि थोड़ा मजा आए आपको। ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइथागोरस लेके आया है पर नया स्टाइल से, पावर की स्टाइल से। किसमें? अच्छा, उसमें आर का स्क्वायर नहीं है, सेकंड नहीं है बच्चों, थर्ड है। ये मैथ्स थर्ड ही तो कर रहा है ना, सॉरी। ये देखो आंसर सही लिखने के बाद बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर है। हाँ जी, आर का स्क्वायर है। चलिए आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। थोड़ा आपको डीसी की पावर का मतलब बताया हुआ है। बैटरी लगाते हैं तो किस पर? चौक कॉइल। अभी बात किया था ना, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है। हेलो, डायग्राम की ओर बढ़ाते हैं, इसे डायग्राम से समझाते हैं आप लोगों को, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
ये देखना बच्चों, चौक कॉइल का मतलब है अभी एक इंडक्टर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, इसे पहले डीसी से जोड़ा बच्चों, डीसी से जोड़ा तो चौक कॉइल कोई पावर लॉस नहीं करता, ये स्टोरेज डिवाइसेज है, ये वीडीसी यार, तो ये यहां पे पावर की डीसी वो 20 वाट दी हुई है, तो क्या आएगा, चौक कॉइल का इंडक्टेंस गिवन है, अरे बोलो ना भाई, लो देखो पावर ऑफ डीसी निकालना है, तो क्या होगा वीडीसी का स्क्वायर बाय आर, तो बोलो आर क्या होगा, फिर ये बेस दिया है इनडायरेक्टली डीसी के बारे में कहानियां देके, आर को उधर ले गए डीसी, पावर डीसी को नीचे, बोलो वीडीसी कितना, 10 का स्क्वायर अपॉन 20, तो ये रेजिस्टेंस आ गया जी 5 ओम। दूसरा एसी का पावर देना क्या दिखाता है बच्चों, ये देखो एसी सोर्स जोड़ने पे पावर कैसे लिखेंगे एलआर सर्किट की, ये पावर ऑफ एसी वीआरएमएस का स्क्वायर एसी वाले का जेड स्क्वायर बच्चों, और आर होता है क्यों, आई स्क्वायर आर होता है ना, लेकिन आई में यहां ई बाई जेड भरते हैं बच्चों, हाँ जी ये तो चेक करो, जेड को उधर ले गए क्या आया, वी ए सी का स्क्वायर सॉरी पावर ऑफ ए सी इंटू आर, आर नीचे से भरेंगे यहां से, बोलो वी ए सी कितना, वो भी 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर 100, पावर कितनी 10 वाट, और ये दे रखा है 5, तो ये 50 आ गया, तो जेड कितना आ गया √50। इधर देखना बच्चों, फिर ट्रायंगल आ गया, मुझे ज्यादा आता नहीं है, एसी ट्रायंगल से ज्यादा होता ही नहीं है, ये बेस का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब बेस है ये, और इस बार हाइपोटेनियस पहले दिया है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो एक्सेल है, तो बोलो कैसे फाइंड करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस, अरे पता है ना, तो एक्सेल क्या होगा, जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, बोलो फटाक से, जेड का स्क्वायर तो √50 का स्क्वायर 50, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 5 ओम आ गया, लेकिन ये तो एक्सेल आया, उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, एक्सेल किसके इक्वल है, ओमेगा एल, और ओमेगा एल किसके इक्वल है, 2πfL, तो आपके पास f क्या होगा, ये 5/2πL, 5 एल क्या होगा, 10 मिली हेनरी, तो बोलो कितना आएगा, अपॉन 6.28, चेक करना बच्चों, कैलकुलेशन है अप्रॉक्स, सिक्स एट जा 480 हो जाता है, हाँ जी 480, तो 80 हर्ज के आसपास, ये क्लियर है सबको, आया समझ में बच्चों, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, हाँ जी
क्लियर है बच्चों? कौन सा आंसर है? थर्ड आंसर है। हाँ जी नंदनी जी, मोस्ट वेलकम है आपका इस सेशन में। एसी का पहला सेशन है यह। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइथागोरस से ज्यादा नहीं होता, बट पाइथागोरस इनडायरेक्टली दिया था आपको, तो थोड़ा फिनिशिंग टच दे दूं। ये लो, इस तरीके से हमको बेस दिया हुआ था, इस तरीके से हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ था, और परपेंडिकुलर निकालना था, और थोड़ा बहुत इधर उधर तो करेगा, क्योंकि ये सिक्स क्लास थोड़ी जो पाइथागोरस ही पूछेगा, तो उसमें आपको 2πL का डिवाइड करना था। चलिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एम्स 2003। चेक कीजिएगा बच्चों, वोल्टेज पूछा है कैपेसिटर के अक्रॉस। अच्छा क्वेश्चन है, टैंक सर्किट, वही एलसी सर्किट को टैंक सर्किट भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज चाहिए। पढ़िए पढ़िए, चेक करना बच्चों क्या होता है वोल्टेज ऑन कैपेसिटर वीसी। किसी पर वोल्टता कितनी आई, जितना उसका ओम, सी का ओम सी नहीं होता, एक्स सी होता है। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी है, आई इंटू सी का रेजिस्टेंस। सी का रेजिस्टेंस पता है क्या आपको? 1/ωC, I/2πfc। उठा के भर दीजिए वैल्यूज, I दिया है 2 mA, ये आपका 2 1 4। F बोलना बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1 kHz, याद रखना कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में है, -6। बोलो बच्चों, ये -3 और ये कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज आपके पास है 1/6.28, पक्का 1/6 कितना होगा, 1/6 ही निकाल लो, आसपास ले लेंगे, 6 1 6 और 4 तो 6 6 चलेगा। सो आंसर इज फर्स्ट बच्चों। अरे समझ आया क्या? हाँ जी, क्रिस्टल कट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। टैंक सर्किट का मतलब एलसी सर्किट को ही कहते हैं। देखो टैंक सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, पक्का क्या सब एलसी सर्किट का नाम है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर पाइथागोरस लेके आया है। हर बार पाइथागोरस से ज्यादा नहीं होता ये। पाइथागोरस जमाने पे आपको फटाफट हैंडल भी कर सकते हैं।
बोलो जी। चेक करना बच्चों क्या होगा। उस लैंग्वेज को मैं यहां सजाता हूं आपके लिए। 20 वोल्ट की सप्लाई है ये। वी आर पे 12 वोल्ट दिया है। पूछा है वी सी क्या होगा। तो सुनो बच्चों फिर पाइथागोरस से देखो। आर पे जो वोल्टेज होता है ना वो बेस दिखाता है। ये नेट वोल्टेज है। ये कितना 20। पूछा है परपेंडिकुलर कितना होगा। वी सी ये पाइथागोरस पे सजाया करो। तो ये तो बहुत फेमस डेटा है। पता है क्या पाइथागोरस का। 3 5 3 4 5 6 8 10 12 16 20। हाइपोटेनियस 20 है 12 है तो बोलो रिमेनिंग कितना बचा 16। अरे ये डबल कर दिया। इस डेटा का डबल कर दिया तो ये आ गया। ट्रिपल कर दिया सॉरी सिंगल डबल कर दिया। ये आपका 4 टाइम्स कर दिया या इसका डबल कर दिया। एक ही बात है ना। हाँ जी। दूसरा तरीका पर जिसको इससे नहीं करना तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा 400। क्यों 20 का स्क्वायर 20 नहीं भरना और 12 का स्क्वायर बच्चों 144 बच्चों। हाँ जी। तो बोलो कितना आएगा। ये 256 पे 36 अंडर रूट। तो कितना होगा। कहाँ गायब हो जाते हो त्रिपाठी जी। बीच बीच में बरसात में इलेक्ट्रिसिटी के जैसे हो रहे हो आप। तो कभी भी गायब हो जाना बिना इंफॉर्मेशन के। तो सेकंड आंसर है बच्चों। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट सेशन 12 बजे आएगा लेकिन वो थ्योरी की क्लास है। कूलॉम्स लॉ। हाँ जी। हाँ जी कूलॉम्स लॉ की क्लास है 12 बजे। लेकिन शाम वाले दोनों सेशन एसी के होंगे 5 बजे और 7 बजे। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए बच्चों। अपने दोस्तों को बोलते रहिए कि आपकी फिजिक्स का क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो रहा है। और सैटरडे संडे को 12 बजे डेली थ्योरी क्लास भी ले रहा हूं मैं। फिर स्पेशल क्लासेस लेके आऊंगा। जो जो टॉपिक आपके वीक है ना मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो इस बेल आइकन को हिट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और रेफरल कोड यूज करिए मेरा जीएस सर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। हाँ जी क्लियर। चलिए बच्चों बाय बाय। ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों।